कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है। एक आदमी ने मछली पकड़ी और बहुत मेहनत से मछली पकड़ी। वो मछली अपने पास उसने जैसे ही रखी, पीछे से दूसरा आदमी आया, जबरदस्ती उसके थप्पड़ मारा और मछली उससे छीन कर ले गया। घर गया, मछली बनाने के लिए उसकी तैयारी कर रहा था तो हाथ में घाव हो गया। हाथ में जो घाव हो गया तो उस घाव को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने कहा, हाँ कोई घाव हो गया है, इस पे पट्टी बांध देते हैं, देख लेंगे, कल परसों फिर आ जाना। उसके हाथ के घाव पे पट्टी बांध दी गई, वो चला गया। दो दिन बाद में आया तो घाव और ज्यादा बढ़ गया। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा, भाई ये तो और बढ़ गया, हाथ काटना पड़ेगा। और चिंता हो गई। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, हम इस पे पट्टी बांध देते हैं और बड़ी देखते हैं, शायद ठीक हो जाए, आप दो तीन दिन बाद में फिर आइए। फिर चला गया, तीन दिन बाद में फिर गया तो और घाव बढ़ गया। अब डॉक्टर ने बोला, नहीं अब तो हाथ काटने से काम नहीं चलेगा, अब तो पूरी बाजू काटनी पड़ेगी, अगर बाजू नहीं काटेंगे तो तुम्हारा पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी पट्टी बांध के देख लेते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो तीन दिन बाद में फिर आना। फिर गया, वापिस गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने देखा घाव और बढ़ गया। पूरी कोशिशें करता रहा, सारे आजमा के देख लिए तौर और तरीके, लेकिन किसी भी तरीके से उसका घाव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में डॉक्टर के पास फिर गया, बोला, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मुझे, ये घाव मेरा ठीक क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि जहर तुम्हारे शरीर में फैलता जा रहा है, किसी और से बात करो। बहुत परेशान हो गया और उसने एक अपनी पहचान के एक सियाने व्यक्ति से बात की कि भाई इस तरह से मेरा घाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। उस सियाने व्यक्ति ने उसको समझाया कि भाई तूने किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। उसने सोचा, हाँ गलत तो मैंने किया, उस व्यक्ति ने मछली पकड़ी थी और मैंने अपनी ताकत के जोर से उसको थप्पड़ मारकर उससे मछली छीन ली। उस व्यक्ति ने कहा कि जा उसी के पास, उसके पैर पकड़ ले, उससे माफी मांग, तब शायद तेरा ये जख्म, ये घाव ठीक हो जाएगा। उसके पास में गया, ढूंढा उस व्यक्ति को जिसकी मछली उसने छीनी थी, उसके पास जाकर उसके पैर पकड़ लिए, उससे कहा, भाई तू कौन है, तू कोई साधु है, तेरे पास कोई सिद्धि है, कोई मंत्र है, ऐसा क्या है तेरे पास में कि मैंने तेरे साथ में जरा सा गलत किया और मेरे को ऐसा घाव मिल गया जो बढ़ता ही जा रहा है और शायद ये घाव मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, ऐसा तूने किया क्या। उस व्यक्ति ने सीधा सा जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपने परमात्मा के आगे दोनों हाथ फैलाए और फैला के सिर्फ इतना कहा, हे ईश्वर, इसने अपनी ताकत मुझे दिखाई है, तू इसको अपनी ताकत दिखा दे। तो दोस्तों, जिंदगी में याद रखना कि कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए कर्म वो करने चाहिए जिससे ना कोई दुखी हो ना कोई परेशान हो। सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहो, क्योंकि कर्मों का पीछा कभी छूटने वाला है नहीं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी लघु कथाएं हम रेडियो वितस्ता पर लगातार लेकर आएंगे। इन छोटी छोटी लघु कथाओं से जहां हमारी समस्याओं का समाधान होता है, उसके साथ ही हमारे को शिक्षा भी मिलती है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी शिक्षा लघु कथाएं सुनने के लिए देखते रहिए रेडियो वितस्ता, सुनते रहिए रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से, सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।